वेलकम बैक कहते हैं सब दोस्तों को केपीएल क्रिकेट पेज पर। एक बड़े मैच के साथ, बड़े मुकाबले के साथ हम लाइव आए हैं। पड़ियाल सुपर किंग ओवर से सरोबा इलेवन के दरमियान ये मैच होगा। सरोबा के ओपनर बल्लेबाज विकेट पर पहुंच चुके हैं रुखसार एंड उमर। पहला ओवर करेंगे जैन नूरी। चार ओवर का मुकाबला, चार ओवर का मैच। मैच का पहला बॉल जैन नूरी, आई बॉल की, अच्छा बॉल, इतना ही अच्छे शॉट गिने हैं। यह अकलन बॉल था लेकिन बिल्कुल सीधे बैट के साथ खेले हैं, हल्का सा फ्लिक किया और बॉल की बाउंड्री लाइन से बाहर। छह रन के लिए, एक बॉल छह स्कोर, अच्छा शॉट, बढ़िया शॉट खेले हैं रुखसार। सरोबा वर्सेस पड़ियाल सुपर किंग। और का दूसरा बॉल करेंगे जैन नूरी, दौड़े जैन नूरी, आए तेज हुए बॉल की अनादार बेगवान, लेकर इस सफा बॉल बाउंड्री लाइन के अंदर ही रुकेगा। दो रन बनेंगे इस बॉल पर, दो रन कंप्लीट हुए इस बॉल पर, दो बॉल आठ रन, दो बॉले हुई हैं और रन हो चुके हैं आठ। क्या बना है, हसीब जाड़ा की टीम ने मैच विन कर लिया। वैस कोशी, हसीब जाड़ा की टीम ने मैच विन कर लिया। घीलक मैच एक मैच के बाद, नबील अब्बास, उमर अमजद, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम कहते हैं सब दोस्तों को केपीएल क्रिकेट पेज पर। ओवर की दो बॉलें हुई हैं, आठ रन हो चुका है। फर्स्ट इनिंग फर्स्ट ओवर का खेल जारी। जैन नूरी हैं बॉलर, नुमाइंदगी कर रहे हैं पड़ियाल सुपर किंग की, ओपन प्लेयर, ओपन खेल रहे हैं आज जैन नूरी। ओवर का तीसरा बॉल जैन नूरी, दौड़े आए बॉल की, और साइड चेंज कर पे करके फोकस किया है यहाँ पर जैन नूरी ने। सरोबा के ओपन का कोई कंफर्म नहीं है कौन से ओपन है, पिछले मैच के क्या बना चौधरी जैन सियाल भाई। पिछला मैच डुमर की टीम ने विन किया है, सियाल की टीम मैच लूज कर गई है। ऊंचा शॉट खेले हैं, मिड विकेट की जाना, फील्डर मौजूद, अच्छा कैच, यहां पर पहला नुकसान सरोबा की टीम को, सरोबा की टीम को पहला नुकसान। रुखसार आउट होकर पवेलियन जाते हुए, उमर मलिक अब सामना करेंगे जैन नूरी का। जैन नूरी फिर आए बॉल की, शॉट खेले हैं, बॉल हवा में, फील्डर बॉल के नीचे मौजूद, और यहां पर सखावत ने कैच किया, ड्रॉप चांस मिला उमर मलिक को। दो रन कंप्लीट हुए इस बॉल पर। असीब ने ओवर नहीं किया था। सेठ इलेवन सियाल का मैच किसके साथ है चौधरी जैन भाई? सेठ इलेवन सियाल बा मुकाबला असीब इलेवन मोड़ा का मैच है, एक या दो मैच के बाद। एक ओवर का खेल मुकम्मल और अब दूसरा ओवर करेंगे सखावत कोलियां गोरू। पड़ियाल सुपर किंग की जानब से सेकंड ओवर करेंगे सखावत कोलियां गोरू। सखावत एंड जैन नूरी ओपन खेल रहे हैं पड़ियाल सुपर किंग में। दस रन हो चुके हैं एक ओवर के हिसाब से, एक ओवर का खेल मुकम्मल और रन हो चुके हैं दस, दस रन हो चुके हैं एक ओवर के इख्तिताम पर। साथ करेंगे सामना सखावत कोलियां गोरू का। एक ओवर रन हो चुके हैं दस, सेकेंड ओवर सखावत आ रहा है, यहाँ पर विकेट लेने में कामयाब हुए हैं सखावत कोलियां गोरू। आउट होकर पवेलियन जाते हुए साथ नए आने वाले बैट्समैन रमीज चूरा, रमीज चूरा ओपन खेल रहे हैं सरोबा की टीम में। वालेकुम अस्सलाम अहमद नवाज, पीर फैजी शाह जी, आई थिंक नहीं खेले। सारे बंदे बाहर करो जी, तुसी इंतजामिया दे फर्ज हो इना सारे तुसी बाहर करो, सोती चा करो अंपायर रात मैच रोको जी, वा हुकम इंतजामिया मैच रोको, बंदे बाहर जाओ जी, सारे जाओ जी बाहर, चलो जी ग्राउंड खाली करो जी, सीधे कमेंट्री बॉक्स से आ जाओ सारे, शक्कर कोना बिल्कुल अपने पैसे नान के पी सकते हो। बाहर जी तमाम दर बहरीने क्रिकेट शकीने क्रिकेट सारे बाहर, विद कुर्सियां विजन जी बाहर, सारे सारे विंसद मैच शुरू हो सी,
मोड़ा का मैच देर तक होगा। उमर राजपूत भाई अभी नेक्स्ट मैच की अनाउंसमेंट नहीं हुई, यकीनन अगला मुकाबला मोड़ा और सियाल का ही होना है। रमेश चूरा न्यू बैट्समैन विकेट पर आ चुके हैं, सामना करेंगे सखावत कोलियां गोरू का। ग्राउंड शॉट के लिए एक स्कोर बनेगा इस बॉल पर। उमर मलिक पर सारी उम्मीदें सरोबा टीम की, सरोबा टीम की सारी उम्मीदें उमर मलिक पर। सारी उम्मीदें इस मैच की उमर मलिक पर सरोबा टीम की, क्योंकि रन हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 11, दो से तीन खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, सरोबा टीम काफ़ी मुश्किलात में। सखावत कोलियां गोरू और के अगला बॉल करेंगे, आई बॉल की डॉट बॉल हुए हैं उमर मलिक, बेहतरीन बॉल सखावत कोलियां गोरू, कमाल बॉलिंग करते हुए। राजा अनमजेब मैच आपको लाइव दिखा रहे हैं सरोबा क्रिकेट ग्राउंड रावलपिंडी से। इसरार शाह का मैच नहीं है प्यारे भाई, परवेज मुगल वालेकुम अस्सलाम। इसके बाद देखते हैं क्या अनाउंसमेंट होती है। उमर राजपूत ऊंचा शॉट खेले हैं फाइनल की जाने, नो बॉल का डिसीजन आया अंपायर की जानब से, नो बॉल का सिग्नल, चार रन। जी कुछ बने ने काम भी चिटे होने चिटे हो रहे हैं, इस कोई मकसद नहीं। दूसरे ओवर की तीन बॉल है, चौथा बॉल अल्लाह अकबर, लेग स्टंप से बॉल किया वाइड बॉल, अगला बॉल करेंगे सखावत, सखावत आई बॉल की, अच्छा बॉल ऊंचा शॉट खेले हैं फायदा की जाने, यकीनन बाउंड्री होगी, चार रन के लिए बॉल की बाउंड्री लाइन से बाहर। इसरार शाह की आज टीम नहीं है, राजा फतेह अली किसी को ताज सुल्तानी किसी को भीख दर दर की, किसी को ताज सुल्तानी किसी को भीख दर दर की, मेरे मालिक तेरी मर्जी जिसे चाहे जिधर कर दे। नीचे गिने कर जबरदस्त माहौल जबरदस्त इंतजाम। सरोबा की टीम में ओपन खेल रहे हैं रमेश चूरा एंड दानी चूरा, किसी की मेराज नहीं है। पड़ियाल में ओपन है चौधरी बासत अली जैन नूरी एंड सखावत कोलियां गोरू, बड़े बड़े अपसेट सखावत कोलियां गोरू, हाई बॉल की इंसिडेंट कैच हुआ ड्रॉप, बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर, चार रन के लिए। वालेकुम अस्सलाम शहजाद भाई, सखावत आई बॉल की और इस बॉल को खेले हैं खूबसूरत अंदाज के साथ, छह रन के लिए। अच्छी बल्लेबाजी इस ओवर में उमर मलिक की जानिब से, गोली टीम कल टूर्नामेंट से आउट हो गई है काजी आब्दी खान। दो ओवर का खेल मुकम्मल, तीसरा ओवर करेंगे जैन नूरी, इनिंग का तीसरा ओवर करेंगे जैन नूरी, जैन नूरी का सामना करेंगे रमेश चूरा।
रन आ गया जी 36 31 स्कोर 31 रन हो चुके हैं दो ओवर के एग्जाम पर। वालेकुम अस्सलाम चौधरी हमजा भाई, तीसरा ओवर करेंगे जैन नूरी। 31 रन हो चुके हैं दो ओवर के अख्ताम पर, इनिंग का तीसरा ओवर जैन नूरी करेंगे। ओवर का पहला बॉल आई बॉल की ऊंचा शॉट खेले हैं, आउट हो सकते हैं यहां पर रमीज चूरा। जैन नूरी क्या करने में नाकाम रहे हैं, चांस मिला रमीज चूरा को। 32 रन बढ़ते हुए स्कोर, जैन नूरी और अगला बॉल, अच्छा बॉल किया, इन स्विंग बॉल किया जैन नूरी ने, डॉट बॉल है उमर। तीसरे ओवर की दो बॉलें, तीसरे ओवर की दो बॉलें और स्कोर है 32, 32 रन हो चुके मल्ला कलेमन सरोप ओवर से गीला टाइगर का नेक्स्ट मैच है। जैन नूरी वंस अगेन हाई बॉल की, इस बॉल को खेले हैं लॉन्ग लेग की जानिब 6 रन के लिए उमर मलिक। स्कोर बढ़ते हुआ 38, 38 रन हो चुके हैं तीसरे ओवर की तीन बॉलें, रन बढ़ते हुए 38। स्कोर बढ़ते हुए 38, जैन नूरी वंस अगेन हाई बॉल की फुल टॉस बॉल, फाइनल की जानिब खेले हैं दो रन बने इस बॉल पर, दो रन कंप्लीट हुए इस बॉल पर, स्कोर बढ़ते हुए 40, तीसरे ओवर की चार बॉलें और रन हो चुके हैं 40, 40 रन। जाना शाबा दो बॉल सेव करी, ओवर का सेकंड लास्ट बॉल करेंगे जैन नूरी। जैन नूरी दौड़े आए बॉल की, ऊंचा शॉट बॉल हवा में और कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, खूबसूरत शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब 6 रन के लिए खेले उमर मलिक। स्कोर बढ़ते हुआ 46, 46 रन, अच्छा स्कोर कर लिया, अच्छी बल्लेबाजी उमर मलिक की जानिब से। ओवर का आखिरी बॉल करेंगे जैन नूरी, दौड़े आए तेज हुए राउंड द विकेट, बॉल की वाइड बॉल एक्स्ट्रा, 47 रन हो चुके हैं बैटिंग टीम सरोबा का, शायद ही इस टीम में नहीं नेक्स्ट मैच में शायद ही इनेक्शन होंगे। चक्री टेबॉल क्रिकेट आईडी एडमन, वीडियो को शेयर कर दीजिए चक्री टेबॉल क्रिकेट एडमन। ग्राउंड शॉट खेले हैं बल्लेबाज, फील्डर वहां पर मौजूद, एक स्कोर बना इस बॉल पर, तीन ओवर के इख्ताम पर स्कोर है 48, 48 रन हो चुके हैं तीन ओवर के इख्ताम पर, तीन ओवर का खेल मुकम्मल, रन हो चुके हैं 48, एक ओवर का खेल अभी बाकी है फर्स्ट इनिंग का, फर्स्ट इनिंग में एक ओवर का अभी खेल बाकी है। अमर पट्टी बिल्कुल चौकस, तीन ओवर 48 रन, रन बढ़ते हुए 48 रन हो चुके हैं तीन ओवर के एग्जाम पर, तीन ओवर का खेल मुकम्मल और रन हो चुके हैं 48, इनिंग का आखिरी ओवर करेंगे बॉलर, नेम जानी भाई उमर, बॉलर भी उम्र है बैट्समैन भी उम्र है, तीन ओवर 48 रन हो चुके हैं। चौधरी हमाद अहमद आपके सामने दे देते हैं, तीन ओवर 48 रन, चौथा ओवर करेंगे उमर, आखिरी ओवर पहला बॉल, ग्राउंड शॉट खेले हैं बल्लेबाज उमर मलिक, एक स्कोर कंप्लीट हुआ और दूसरे रन के लिए भी अच्छी रनिंग उमर मलिक की जानिब से। इसी के साथ 50 कंप्लीट हुई बैटिंग टीम शाहीन सरोवा की, 50 रन कंप्लीट हो चुके हैं, चौथे और आखिरी ओवर का खेल जारी, स्कोर हो चुका है 50। आल चौंतरा दो ओपन सुपर एट बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट सरोबा क्रिकेट ग्राउंड, सरप्रस्त आला पीर सैयद फैजी शाह, मलिक बासित सरोबा, चीफ ऑर्गेनाइजर मलिक जैन सरोबा। एक जबरदस्त टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया, बेहतरीन शॉट खेले हैं लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए उमर मलिक, बेहतरीन बैटिंग, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में उमर मलिक फ्रॉम सरोबा, शाहीन सरोबा की नुमाइंदगी करते हुए ग्रेट बैटिंग उमर मलिक की जानिब से। रन बढ़ते हुआ 56, 56 रन हो चुके हैं केके स्पोर्ट्स ब्रांड यूज करते हुए उमर मलिक,
बॉलर भी है उमर, दो बॉल पर 8 रन बन चुके हैं इस ओवर में। अवर का तीसरा बॉल, उमर तोड़े ओवर द विकेट, आई बॉल की, इस बॉल को भी खेले हवा में, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। थर्ड मैन की जाने बॉल जाता हुआ और 2 रन कंप्लीट हुए इस बॉल पर, स्कोर बढ़ते हुए 60 रन हो चुके हैं दोस्तों। चौथे और आखिरी ओवर का खेल जारी, 3 बॉलें हुई हैं, रन हो चुके हैं 60 रन कंप्लीट हो चुके हैं। क्या बात है, साठ रन हो चुके हैं शाहीन 11 सरोबा का। चौथा बॉल उमर, हाई बॉल की, इस बॉल को खेले मिड विकेट की जाने, फील्डर मौजूद जैन नूरी, एक स्कोर बना और दूसरे रन पर रन आउट हुए हैं यहां पर रमीज चूरा। 2 बॉल बाकी हैं, स्कोर है 61 रन हो चुके हैं। उमर ग्राउंड शॉट खेले, लॉन्ग ऑफ की जानब, फील्डर वहां पर मौजूद, सखावत को लिया गोरू, अच्छी रनिंग उमर की जानब से, लेकिन यहां पर दूसरे बल्लेबाजों की कुर्बानी लगाते हुए 62 रन हो चुके हैं। एक बॉल अभी रहता है पहली इनिंग का, एक बॉल रहता है, 62 रन हो चुके हैं, एक बॉल अभी बाकी है फर्स्ट इनिंग का लास्ट बॉल करेंगे फर्स्ट इनिंग का। उमर पड़ियाल, अच्छा बॉल, यॉर्कर बॉल, ग्राउंड शॉट खेले बल्लेबाज, फील्डर वहां पर मौजूद जैन नूरी, एक स्कोर बना और दूसरे पर रन आउट हुए हैं। 63 रन है, 64 रन का टारगेट है, 64 रन का टारगेट चार ओवर में 64 रन का है टारगेट। मीसम अब्बास, वालेकुम अस्सलाम, 4 ओवर 64 टू है। टारगेट सेट किया जी शहीद 11 सरोपा। चार ओवर का मैच है, अमर मलिक 4 ओवर का मैच है, 64 रन का टारगेट, 4 ओवर, कितना टारगेट है रुखसार भाई, पता करो ना, चंगे कप्तान है तुसी, 62 का टारगेट है चार ओवर में 62 रन का है टारगेट। चार ओवर और टारगेट है 62 रन का चार ओवर में। चार ओवर 62 का टारगेट, अब देखते हैं कि ये टारगेट चेस कर पाती है पड़ियाल सुपर किंग की टीम या फिर इस टारगेट को डिफेंड करेगी टीम शाहीन सरोबा। 4 ओवर 62 विन, ਬਾਰੇ ਆਪੇ ਚ ਬਾਲ ਵੀ ਲੈ।
उमर हेंजो नहीं रहा हेंजो पड़ियाल सुपर किंग की जानिब से ओपनर बल्लेबाज आ रहे हैं जैन नूरी एंड जैनी पड़ियाल। जैन चेकवेली और जैनी पड़ियाल ओपनर आ चुके हैं चार ओवर में 62 रन का ताकब करने के लिए, 62 रन चेस करने के लिए। ओपनर बल्लेबाज विकेट पर आ चुके हैं जैन नूरी एंड जैनी पड़ियाल। पहला ओवर करेंगे दनियाल फ्रॉम चूरा, बेहतरीन बॉलर हैं, तेज तरीन बॉलर हैं दनियाल चूरा। उनका सामना करेंगे जैनी पड़ियाल, अच्छे बल्लेबाज जैनी पड़ियाल स्ट्राइक एंड पर मौजूद। विकेट ठीक कर लो जैन भाई। पड़ियाल सुपर किंग की तरफ से ओपनर बल्लेबाज विकेट पर फेंसिंग एंड पर जैन दानियाल करेंगे पहला ओवर। साधो जैन पूरी जल्दी करना और शहीन अलमन सरोवर की तरफ से पहला ओवर करने के लिए आए जी गिलास दानियाल। शाबाश दानियाल शाबाश अब इसको खेल रहे जी सरोवर में वाला दौड़े पास को क्या क्रॉस पहला बॉल और वाइड के साथ आगाज किया बॉलर दानियाल ने। अच्छा नहीं करना है एक भी चप्पा दो बॉल मैच बालन बिबिन जो दानियाल जबरदस्त बॉल अच्छी फील्डिंग अंपायर का इशारा अवॉइड बॉल कितना बड़ा वाइड है पेप्सी पानी है रानी बोतल है बोतल क्या है ये देखो ना ठोसा ना की जन की होगी पक्की दी मिट्टी है वे जे ते ये मुंह लो छोड़ो मिट्टी भी पक्की नहीं। जबरदस्त शॉट जैन नूरी ऑन फायर शाबाश दानी शाबाश शाबाश सीधा सीधा बॉलर है मलिक तहर महमूद कह रहे हैं चार ओवर 62 रन का टारगेट। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए जैन नूरी, बेहतरीन बैटिंग जैन नूरी की जानिब से, लगातार छक्के लगाते हुए जैन नूरी। एक और खूबसूरत छक्का, छक्कों की बरसात, बेहतरीन बल्लेबाजी जैन नूरी ऑन फायर। जी फरहान भट्टी भाई आपका सलाम दे देते हैं और यहाँ पर बॉलें गुमा दी हैं जैन नूरी ने, तीन बॉलों पर तीन लगातार छक्के, 27 रन, चार छक्के हो गए हैं, चार छक्के हो गए हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने अनाउंस किया कि तीन छक्के हैं लेकिन जैन नूरी कह रहे हैं कि चार छक्के हो चुके हैं, 28 रन हो चुके हैं। जबरदस्त बैटिंग जैन नूरी की जानिब से। चार बॉल 28 रन, पांच बॉल सॉरी। अगला बॉल ऊंचा शॉट खेले हैं, बॉल हवा में,
डीप एक्स्ट्रा कवर की जाने छह रन के लिए खेले हैं जैनी पड़ियाल। एक ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 34। नूरी 34 रन, एक ओवर और 34 रन हो चुके हैं। अब देखते हैं कि इनिंग का दूसरा ओवर कौन सा बॉलर करता है। सात आ चुके हैं, सात ब्रेकर इनिंग का सेकेंड ओवर करेंगे। डेरी का मैच कल होगा सेमीफाइनल। चौधरी इजहार भाई एक ओवर स्कोर है 34। दूसरा ओवर करने के लिए मजीद तीन ओवर में 28 रन चाहिए। सात ब्रेकर आए हैं इनिंग का सेकेंड ओवर करने के लिए। पहला बॉल लॉन्ग लेग की जानिब शॉट खेले हैं, चार रन के लिए बॉल की बाउंड्री लाइन से बाहर। 24 रन बाकी, 17 बॉलों पर 24 रन की जरूरत, 24 रन की जरूरत 17 बॉलों पर। नेक्स्ट मैच गीला अकनाम वर्सेज मलिक इलेवन सरोबा के दरमियान खेला जाएगा। साथ वंस अगेन आए बॉल की और वाइड बॉल, वाइड बॉल साथ ही बाई का एक स्कोर। छह रन बन चुके हैं, मजीद 22 रन चाहिए। एक बॉल पर 6 रन बन चुके हैं, अगली 17 बॉलों पर 22 रन बाकी। ऊंचा शॉट लॉन्ग ऑन की जाने 6 रन के लिए खेले हैं जैनी पड़ियाल। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए जैन नूरी एंड जैनी पड़ियाल दोनों बल्लेबाज ओपनर आए हैं और बेहतरीन बैटिंग करते हुए मैच को बिल्कुल वन साइडेड कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। वाइड बॉल किया यहां पर साध ने। अगला बॉल सात दौड़े आई बॉल की, ग्राउंड शॉट खेले हैं, फील्डर वहां पर मौजूद रमीज चूरा। एक स्कोर बना इस बॉल पर, सिर्फ 14 रन की दूरी पर बैटिंग टीम, बैटिंग टीम सिर्फ 14 रन की दूरी पर। आई बॉलर बॉल की, एक स्कोर बना इस बॉल पर, दो छक्के दरकार मैच जीतने के लिए पड़ियाल सुपर किंग को। वन साइडेड कर लिया पड़ियाल सुपर किंग की टीम ने मैच। सिर्फ दो छक्कों की जरूरत, बेहतरीन शॉट के लिए मिड विकेट की जाने जबरदस्त छक्का लगाने में कामयाब हुए जैनी पड़ियाल। सिर्फ एक छक्के की जरूरत, एक छक्का बाकी है दो ओवर में, दो ओवर में सात रन बाकी। दो ओवर में 6 रन बाकी, दो ओवर में 6 रन बाकी है। मैच विन कर गई है टीम पड़ियाल सुपर किंग। नेक्स्ट मैच होगा मलिक इलेवन सरोबा वर्सेज गीला कलां। मलिक इलेवन सरोबा बा मुकाबला गीला कलां का नेक्स्ट मैच होगा दोस्तों। दो ओवर में 6 रन बाकी हैं, 6 रन बाकी हैं दो ओवर में, 12 बॉले और सिर्फ 6 रन हैं बाकी। रमीज हाई बॉल की और थर्ड मैन की जानब खेले हैं, फील्डर मौजूद हैं, अच्छा कैच थर्ड मैन फील्डर शाहजेब की जानब से। 11 पे 6 बाकी, छह रन बाकी 11 बॉलों पर, 11 बॉलों पर सिर्फ 6 रन बाकी। पड़ियाल सुपर किंग बिल्कुल जीत के करीब। ग्राउंड शॉट खेले हैं बैकवर्ड पॉइंट की जाने, दो रन बने इस बॉल पर, 10 पे 4 बाकी, 10 बॉल पर सिर्फ 4 रन बाकी। नेक्स्ट मैच मलिक इलेवन सरोबा वर्सेज गीला कलां के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच विन कर गई है बैटिंग टीम पड़ियाल सुपर किंग। अच्छी बल्लेबाजी जैनी पड़ियाल और जैन नूरी की जानब से। फाइनल लेग की जानब खेले हैं और दो रन बनेंगे इस बॉल पर भी,
इसी के साथ मैच का हुआ इख्तिताम। मैच विन किया पड़ियाल सुपर किंग ने। वेल डन पड़ियाल सुपर किंग, वेल डन जैन नूरी, जैनी पड़ियाल, हार्ड लक, हार्ड लक सरोबा शाहीन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज ऑल व्यूअर्स।